मैं कांग्रेस का विधायक हूं पौरी 24 से सुरेश धाकड़ राजखेड़ा लिखता हूं। मैं सरमंत महाराज साहब का सेवक था हूं और हमेशा रहूंगा। साथियों क्यों तो जो लोग कम से कह रहे हैं कि दबाव में इस्तीफा दिया, हम कोई के दबाव में नहीं है, हमने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया और ये सही है कि हम सरमंत महाराज साहब के साथ हमेशा थे और रहेंगे। ये सरकार क्यों गिर रही उसका कारण है, सरमंत महाराज साहब के नाम पर ये सरकार मध्य प्रदेश में आई थी। हम जब भी सीएम से मिलने गए तो हमको एक ही शब्द मिलता था, चलो 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 24 घंटा तो चलो चलो, ये सरकार नहीं चलती, ये सरकार जो गिर गई, हम सरमंत के साथ थे हैं रहेंगे, हम पे कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से आए हैं और यहाँ करने अपने आए। सब लोग 22 लोग बेंगलोर में हैं और सभी अपनी मर्जी से हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से हैं और जहाँ अच्छा निर्णय लिया है महाराज ने कि हमको वे किसी जगह पे ले जा रहे हैं। अगर महाराज साहब किसी जगह पे नहीं ले जाते, हम लोगों से अगर वो कहते, स्वयं मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहाँ हमारे श्रीमंत महाराजा साहब हैं वहाँ इमरती देवी है और जितने हम 22 विधायक हैं सब हंसी खुशी से हैं और सब अपनी इच्छा से हैं और महाराज की जो अपेक्षा उनने की है कांग्रेस वालों में, इतनी तो बीजेपी में भी कभी नहीं हुई थी। हमने भी 10 साल बीजेपी में रहे हैं विधायक बन करके, तो इतना बुरा हाल नहीं था जितना कमलनाथ जी ने कर दिया था हम लोगों के क्षेत्र में। हमने 10 साल कहा हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, लेकिन जब सरकार आई तो और इतनी बुरी तरह से हम बेहाल हो गए कि एक काम भी हमें कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला है और हमारी कमलनाथ जी ने बिल्कुल नहीं सुनी और खासकर तो सिंधिया महाराज के। बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं जो बेंगलोर आए हुए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भोपाल के संपर्क में हैं या किसी के संपर्क में हैं। हम लोग किसी के संपर्क में नहीं हैं और सब स्वेच्छा के साथ यहाँ आए हुए हैं और सारे विधायक 22 विधायक करीब हैं और 23 दो और हमारे संपर्क में हैं। सारे लोग यहाँ अपने मंच आए हैं और सारे लोग सिंधिया जी के साथ हैं, उनके निर्णय से खुश हैं कि जो देश हित में वो निर्णय ले रहे हैं, जो राष्ट्र हित में निर्णय ले रहे हैं वो सोच समझकर ही ले रहे होंगे। और हमारे बहुत से साथी जो मैंने देखा एयरपोर्ट पर कि जो जयपुर गए हैं वो कह रहे हैं कि हम संपर्क में हैं, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं ये भ्रम फैलाने वाली बात है, कोई किसी संपर्क में नहीं, सब खुश हैं। हाँ जो लोग जयपुर गए हैं वो विधायक जरूर हम लोगों के संपर्क में है और वो कह रहा है कि हम लोगों को साथ क्यों नहीं ले गए, हम यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो मध्य प्रदेश की हालात चल रही है 1.5 साल से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, 15 साल बाद जो कांग्रेस की सरकार आई थी वो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से आई थी और सिंधिया जी को सारे नेताओं ने जो नजरअंदाज किया था उनकी बिल्कुल किसी प्रकार की कहीं मानते नहीं थे और बाकी के सिंधिया जी के जो समर्थक थे, चाहे हमारे सम्माननीय मंत्री जी हों चाहे हमारे सम्माननीय विधायक जी हों, किसी प्रकार से कोई नहीं मानते थे और वो ये मध्य प्रदेश में दिखाना चाहते थे कि मध्य प्रदेश के जितने सिंधिया जी के समर्थक हैं उनको बिल्कुल कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैंने अपने क्षेत्र के जनता के लिए कई मांगे रखी थी और मांग रहा था तो उनका कहना था देख लेंगे कर लेंगे, पर कोई एक भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। और मैंने श्रीमान सिंधिया जी से आग्रह किया था कि इस तरह की जो हालातें बन रही हैं महाराज साहब कोई डिसीजन लो और जो महाराज ने डिसीजन लिया है मैं महाराज साहब के साथ हूं, मैंने अपनी स्वेच्छा के साथ ये इस्तीफा दिया है और मैं हमेशा महाराज के साथ रहूंगा, महाराज के समर्पित हूं, ये मैं वादा करता हूं। जय हिंद जय भारत जय श्री राम। पिछले साल से जिस तरह से मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के नेतृत्व में युवा चेहरा लेकर सरकार बनाई थी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, पिछले 1 साल से जिस तरह से सिंधिया जी को परेशान किया जा रहा था,
उनकी उपेक्षा की जा रही थी, हम उससे आहत थे और इस वजह से हम अपनी स्वेच्छा से सिंधिया जी के साथ हैं, सिंधिया जी के साथ रहेंगे, जहां वो हैं वहीं हम रहेंगे, न किसी के दबाव में है, न हम किसी को हमको रोका है, हम सिंधिया जी के साथ हैं। जो लोग मीडिया में अफवाह फैला रहे हैं वो गलत है, मीडिया की बात नहीं मानी जाए, हम सिंधिया जी के हमेशा साथ थे, हैं और रहेंगे। आज हमारे सामने एक निर्णायक पल था, और वो पल इसलिए था कि 2018 के जब चुनाव हुए तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चेहरा थे जिनके नाम पर हमको वोट मिला। जनता को पूरी आशा थी कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मध्यप्रदेश का विकास होगा। पर दुर्भाग्य की बात वो है कि जिन श्रीमंत सिंधिया जी के नाम पर हमको वोट मिला, जिन श्रीमंत सिंधिया के नाम पर हमको मध्यप्रदेश की जनता ने विश्वास दिया, दुर्भाग्य से पिछले 1.5 साल से, और वो श्रीमंत सिंधिया जी जिन्होंने मध्यप्रदेश में 1 नहीं 6 उपचुनाव जिताए, पिछले 15 साल से उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को स्थापित करने के लिए खून और पसीना बहाया। दुर्भाग्य से ऐसे श्रीमंत सिंधिया जी को किनारे किया जा रहा था, उनको राजनीतिक रूप से उनके वर्चस्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। और यहां तक स्थिति कि अगर उन्होंने जनता के सामने यह बात कही कि अगर हमारा बजट पत्र लागू नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे, कोई गलत बात नहीं थी। एक कांग्रेस के नेता होने के नाते उन्होंने जो मध्यप्रदेश की जनता से वायदा किया था उस वायदा को पूरा करने के लिए उनका वो संकल्प था। और अगर मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि अगर उतरना है तो उतर जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक कोई बात हो नहीं सकती। आज जो हमने निर्णय लिया है पूरे अपने मन से लिया है, बिना किसी दबाव के लिया है, और अंतिम सांस तक श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहेंगे, आगे और रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हूँ, आगे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ रहूंगा। और जो हम लोगों ने 22 लोगों ने इस्तीफा दिए, सबने अपनी अपनी स्वेच्छा से रिजाइन किया। मंत्री परम श्रद्धेय ज्योतिराय सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है वो किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी में जाएंगे तो यहाँ 22 के 22 विधायक सब एक साथ हैं और सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के संपर्क में। सिंधिया जी जो निर्णय करेंगे उनके हर निर्णय में पूरे 22 विधायक उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव, मैं मध्य प्रदेश की बदनौर विधानसभा से विधायक हूं, तीसरी बार का विधायक हूं, क्षेत्र का नंबर है 202, 5 चुनाव लड़ा हूं। मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई 1998 में, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, महज 25-26 साल की मेरी उम्र थी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लुफ्तांजा जर्मन एयरलाइंस का मैं साउथ एशिया का मार्केटिंग मैनेजर था। अच्छा जीवन था, अच्छी जिंदगी थी। मैं मूल बात बता रहा हूं, मैं चुनाव क्यों लड़ा, तब मेरे पिताजी के साथ अन्याय हुआ, मैं उनका प्रचार करने छुट्टी लेके आया था। मेरे स्वर्गीय पिताजी प्रेम सिंह दत्तीगांव थे, जो पूरे मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं अपनी ईमानदारी के लिए, कर्मठता के लिए, जुझारूपन के लिए और अन्याय न सहने के लिए। वो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और आज मैं सबको बताना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र की जनता इस बात की गवाह है, जब मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया वो मेरा निर्णय था, मेरी माताजी का निर्णय था। मेरी माताजी जो भीम सिंह मंडावा की बेटी हैं, जो राजस्थान में मंत्री रहे, विधायक रहे और सांसद रहे, उन्होंने ये कहा, बेटा अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से ज्यादा पाप का भागीदार होता है। मैं प्रवीण सिंह यादव विधायक मंगावली से, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मीडिया में अफवाहें चल रही हैं कि कांग्रेस के विधायक जो 22 विधायक हैं वो कांग्रेस के मंत्रियों के संपर्क में हैं, विधायकों के संपर्क में हैं, ये बिल्कुल उनका कहना गलत है। हम लोग श्रीमंत सिंधिया जी के साथ हैं, हम 22 के 22 विधायक एक साथ हैं, हम लोगों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। और आज भी हम कहना चाहते हैं कि जहां हमारे नेता का अपमान होगा वहां हम उस पार्टी में नहीं रह सकते, हम अपने नेता के साथ हैं। नहीं, उनका तो हो गया, चलो।